पंद्रह सौ प्री गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल हाय दिस इज मी न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनिशा और मैं आपको बताने जा रही हूँ आप आपका स्टैमिना और एनर्जी लेवल्स कैसे बूस्ट कर सकते हो Stamina is actually linked to your body's health and if your body is healthy your stamina is going to be good too. So stamina का मतलब ये नहीं कि मैं पाँच किलोमीटर दौड़ूँ या मैं सिर्फ एक्सरसाइज uh, में स्टेमिना इम्प्रूव करूँ स्टेमिना आपको डे टू डे रूटीन में भी काम लगता है सो इफ़ यू आर वेकिंग अप फ्रेश इन द मॉर्निंग पर आप शाम तक ड्रेन हो जाते हो आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है मतलब आपका स्टेमिना कम हो चुका है सो यू हैव टू मेक श्योर दैट स्टैमिना इज़ नॉट जस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर आउट द डे आपको एक्टिव रखे आपको फिट रखे आप जब भी मार्केट में जा रहे हो यू डोंट गेट टायर्ड अगर आप स्टेयर्स क्लाइम कर रहे हो यू डोंट गेट टायर्ड दिस इज़ वॉट अ गुड स्टेमिना इज अबाउट एंड टू इम्प्रूव स्टेमिना यू हैव टू अफकोर्स इम्प्रूव योर हेल्थ अगर आप आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं कर रहे हो आपका स्टेमिना भी इम्प्रूव नहीं होगा सो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू नो वॉट आर द मेन कॉजेज स्टेमिना कम क्यों होता है द मेन रीज़न इज़ ओवरवेट अगर आपका वजन ज़्यादा है अगर आपके बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा है अगर आपके वेस्ट और हिप्स पे बहुत सारा फैट जमा है फ्लैबीनेस है दिस इज़ मेन रीज़न वाई स्टेमिना गोज़ डाउन ये जो मोटापा होता है ये जो फैट होता है वो बॉडी को बहुत ही लथाजिक बना देता है और लेथार्जिक बन जाने की वजह से हमें इनफ एनर्जी नहीं मिलती और एनर्जी नहीं मिलती तो स्टैमिना भी कम हो जाता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ एनी इलनेस। सो अगर आपको कोई इलनेस हो जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम और थायराइड प्रॉब्लम इन कंडीशंस में स्टैमिना यूजुअली कम हो जाता है अगर हम इस पर वर्क नहीं करेंगे तो वो कम होते जाता है एंड विथ मैनी इयर्स इट गोज़ कम्प्लीटली डाउन द थर्ड रीज़न फॉर लो स्टेमिना इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशन और डेफिशेंसीज सो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो अगर आप फ्रेशली मेड फूड्स लोकल फ़ूड सीजनल फ़ूड नहीं खा रहे हो और अगर आपको डेफिशिएंसीज है देन दिस इज आल्सो वन मेजर कॉज ऑफ अ ड्रॉप इन स्टेमिना एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप एक्टिव नहीं हो अगर आपकी बॉडी को मूवमेंट्स नहीं मिलते अगर आप नाइन टू फाइव डेस्क जॉब पे हो और इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ एंड यूर सिटिंग होम द एंटायर डे विदाउट अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दिस ऑल्सो कॉजिज लो स्टेमिना स्टैमिना को कैसे इम्प्रूव करेंगे सबसे पहले मोटापा की वजह से जो स्टैमिना होता है उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रही हूँ सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आपको तीन से चार ग्लासेस वार्म वाटर के पीने चाहिए एंड व्हेन यू हैव दिस वार्म वाटर योर स्टमक एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स क्लीन इमिजिएटली बिकॉज ऑफ दिस आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और फैट लॉस भी होगा सो हैव थ्री टू फोर ग्लासेस ऑफ वाम वाटर व्हेन यू वेक अप इफ़ यू आर ओवरवेट एंड यू लैक स्टेमिना वॉम वाटर पीने के बाद आपको थोड़े से एप्रिकॉड्स खाने हैं एप्रिकॉड को खुरबानी बोलते हैं जर्दालू बोलते हैं आपको एप्रिकॉड्स रात को भिगा के रखना है और सुबह खाना है सो यू कैन हैव टू टू थ्री पीसेस After having this water. So, bhige hue apricots will actually start giving that energy and it will kick start your digestion. The next best way to improve your stamina if you are overweight is to reduce the use of oil. Oil, ghee, butter, or any fat medium dalda hota hai, vanaspati hota hai.

एवोकैडो से मिलता है होल मिल्क या होल दही से मिलता है दिस इज़ द काइंड ऑफ फैट दैट योर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी एंड टू स्टे फिट एक्सटर्नल ऑयल और घी हमें उतना ही कम करना चाहिए तो उसकी वजह से आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और मेटाबॉलिज़म भी बढ़ेगा द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिड्यूस शुगर तो शुगर आप जब भी खाते हो आपकी बॉडी में शुगर रश हो जाता है एंड विद इन हाफ एन आवर दैट एनर्जी लेवल ड्रॉप्स एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप आपका स्टेमिना भी ड्रॉप हो जाएगा एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे सो यू शुड एक्चुअली नॉट हैव एनी प्रोसेस्ड शुगर जो चीनी होती है मिठाई चॉकलेट्स बिस्किट्स एक्सेट्रा so processed sugar is also going to cause weight gain and lower your stamina so yes sari all karne ki vajase ab kam hoga but it is going to be a healthy weight loss and the healthy weight loss will improve your stamina the second reason is illness so when your body has illness your stamina goes down तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं ऑफ कोर्स आपको इलनेस को तो ट्रीट करना ही है जैसे डायबिटीज़ हो थायराइड हो कोलेस्ट्रॉल हो उसके आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस करने हैं इफ़ यू हैव टू टेक मेडिसिन और इफ़ यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट या आपको उसके हिसाब से एक्सरसाइज करने हैं यू मस्ट डू दिस बट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज होम रेमेडीज़ जो नॉर्मली ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस सारे डिजीजेस को सूट करें सो इफ़ यू आर अ डायबिटिक और अ कोलेस्ट्रॉल और अ थायरॉयड और अ ब्लड प्रेशर पेशेंट आप ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए सो so, सबसे पहले सुबह उठ के यू हैव टू हैव अ ग्लास ऑफ वॉम वाटर विथ हल्दी एंड पेपर एक पिंच हल्दी एक पिंच काली मिर्च आपको गर्म पानी में डाल के पीना है दिस इज़ योर फर्स्ट मेटाबॉलिक बूस्टर द सेकेंड रेमेडी इज़ आपको डिनर में बहुत सारे वेजीज इंक्लूड करने हैं मीन्स हाफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विथ वेजिटेबल्स चाहे वो सूप हो चाहे वो सैलड हो चाहे वो सब्जी हो पर ये ग्रीन वेजिटेबल्स 50% परसेंट कॉन्टेंट ऑफ द मील होना चाहिए वो होने की वजह से योर बॉडी इज नॉट स्लगिश इन द नाइट एंड इट विल हेल्प यू फाइट द डिजीज़ बेटर एंड इम्प्रूव योर स्टेमिना बेटर द थर्ड रेमेडी दैट यू कैन यूज इज़ जीरे का पानी थ्रू आउट द डे आप जीरा इन्फ्यूज़्ड वाटर पी सकते हैं आपको सिंपली थोड़ा सा आखा जीरा पानी की बॉटल में डाल के रखना है

मीन्स आपका फूड आपके लिए हेल्दी नहीं है सो so, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप ऐसे कौन से फूड्स खा रहे हैं या ऐसे कौन से मील्स खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक हो रही है या लथाजिक हो रही है सो फॉर सम पीपल इट इज़ व्हीट फॉर सम पीपल इट इज़ राइस कुछ लोगों को दाल सूट नहीं करता कुछ लोगों को दही सूट नहीं करता कुछ लोगों को पटेटो सूट नहीं करते आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से फूड्स जो मैं रोज़ खा रहा हूँ इज़ नॉट हेल्पिंग मी सो आई हैव टू स्लोली वीन ऑफ दैट फूड मुझे धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है कम खाना है उसे ताकि मेरा स्टेमिना इम्प्रूव हो सके मेरा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो सके

आपको ये इमिजिएटली ट्रीट करना है ताकि आपका स्टेमिना इम्प्रूव हो सके टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जो आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव कर सकता है सो दिस इज़ अ जूस दैट हेल्प्स यू बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स एंड बूस्ट योर स्टेमिना ये एक ग्रीन जूस है एक्चुअली एक मिल्क शेक है इट इज़ नॉट अ जूस इट्स लाइक अ स्मूदी तो आपको ये कैसे बनाना है यू हैव टू टेक अ ब्लेंडर ब्लेंडर में आप थोड़ा सा पालक डालिए पुदीना डालिए धनिया डालिए एंड यू पुट हाफ एन एप्पल सो वन हैंडफुल ऑफ स्पिनच कोरिएंडर लीव्स मिंट लीव्स एंड हाफ़ एन एप्पल एंड यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर ऑल्सो टू इट और आपको इसको ब्लेंड करना है एंड यू हैव टू मेक लाइक अ शेक सो ये मिल्क शेक इज गोइंग टू एक्चुअली बूस्ट योर स्टेमिना

उसको लेके हाफ़ एन एप्पल के साथ बॉईल करना है सो यू टेक अराउंड टेन एप्रिकॉट्स हाफ एन एप्पल, उसको आप बॉईल कीजिए फॉर अराउंड फाइव टू सेवन मिनट्स जब तक वो थिक पेस्ट ना हो जाए देन यू मैश इट प्रॉपरली और ये आपका जैम रेडी हो गया वेन टू ईट दिस जैम यू शुड इट एनी टाइम बिटवीन मील्स सो यू कैन हैव इट बिटवीन ब्रेकफेस्ट एंड लंच या लंच एंड डिनर के बीच में जब भी आपको लगे कि मेरी एनर्जी ड्रॉप हो रही है लाइक इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून यू कैन जस्ट हैव वन स्पून ऑफ दिस जैम दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी बूस्टर एंड स्टैमिना बूस्टर स्टैमिना की जब हम बात करते हैं वी हैव टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन क्योंकि अफकोर्स अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो वो स्टैमिना नहीं है सो ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू योर लंग्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर सर्कुलेशन। तो अगर आपके लंग्स हेल्दी है अगर आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स करेक्ट है तो आपको बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगा एंड देन इट गोज़ टू द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन अगर आपका हेल्दी है तो ये ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट होगा सो दैट मीन्स स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको लंग्स और हार्ट दोनों को हेल्दी रखना है तो इसको हम हेल्दी कैसे रखें थ्रू फूड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वॉर्म वाटर थ्रू आउट द डे तो गर्म पानी वॉम टीज हर्बल टीज इन्फ्यूज वाटर कोई भी प्रकार के वार्म वाटर फॉर्म्स यू हैव टू हैव थ्रू आउट द डे एटलीस्ट फाइव टू सिक्स ग्लासेस वाम वाटर पीने से आपके लंग्स और हार्ट दोनों में इम्प्रूवमेंट आ जाता है इनफैक्ट आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड बट जापानीज और चाइनीज दे ओनली हैव वाटर वो लोग ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीते और अगर आप चाइना या जापान में रेस्टोरेंट में भी जाएँ यू विल बी सर्वड ओनली वाम वाटर

क्योंकि स्मोकिंग करने से स्टैमिना भी कम हो जाएगा और लंग्स भी वीक हो जाएंगे इन फैक्ट आप अगर स्मोक कर रहे हो देन यू शुड इन फैक्ट ट्राई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिगरेट्स या द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर हैविंग योर स्मोक कटिंग डाउन ऑन सिगरेट्स विल प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ टार इन योर लंग्स और ये स्टैमिना भी इम्प्रूव करेगा लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको पल्यूशन से भी दूर रहना है सो इफ़ यू आर लिविंग इन अ पल्यूटेड सिटी यू रियली कान अवॉइड पल्यूशन पर आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो डैट एवरी मॉर्निंग यू गो आउट टू अ गार्डन और टू अ ओपन स्पेस एंड गेट सम फ्रेश एयर वो एयर एंड दैट काइंड ऑफ ऑक्सीजन आपको मदद करेगा लंग्स हेल्दी रखने के लिए सो टू कीप आर लंग्स हेल्दी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ टू डू योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ सो इफ़ यू आर डूइंग योर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे अगर आपको अर्ली मॉर्निंग ऑक्सीजन मिल रहा है यू विल डेफिनेटली बी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ योर लंग्स एंड इफ़ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज थ्री टाइम्स अ डे जैसे आप सुबह उठ के करेंगे इवनिंग में एंड एट बेड टाइम your body is used to expanding and contracting the lungs and because of that you are actually improving the oxygen absorption the quality of your breath is also very important so rather than taking very short breaths uproot deep breaths lene hai. you have to make sure your breath is full and it is not short that is how the lungs are able to retain more ऑक्सीजन नाउ आल टेल यू हाउ वी कैन कीप दी सो टू कीप द हार्टेल्दी हमारा सर्क्यूलेशन हेल्दी होना चाहिए और सर्क्यूलेशन को हेल्दी रखने के लिए यू हैव टू मेक श्योर योर बॉडी इज हाइड्रेटेड अगर आपका वाटर इंटेक कम है देन द सर्क्यूलेशन इज अफेक्टेड अगर आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है

एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लीज़ रिड्यूज़ द इंटेक ऑफ फैट मोटापा कम करने के लिए भी हमें फैट कम करना है और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी फैट कम करना है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट हार्ट में कोलेस्ट्रॉल या कोई भी फैटी डिपॉजिट्स होकर हमारा हार्ट चोकअप हो जाए तो फैट इनटेक यानी ऑइल घी बाटर का यूज़ कम करना है यूज लेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड लेस ऑफ़ क्रीम बिस्किट्स लेस ऑफ मिठाई लेस ऑफ डिज़र्ट्स तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए ना ही हमें सिर्फ वज़न कम करना है पर हमें स्टेमिना धीरे धीरे, धीरे बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है सो द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और वर्किंग टूवर्ड्स अल्दियर लाइफ स्टाइल दैट हेल्प्स इम्प्रूव योर स्टेमिना सो फॉर एग्जाम्पल आज आप आधा घंटा वॉक के लिए जा रहे हो एंड यू फील टायर्ड डोंट स्टॉप कंटिन्यू डूइंग इट एवरी डे रोज़ करने से आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे फैट कम होगा एंड योर लंग्स विल स्टार्ट गेटिंग हेल्थीयर सो इफ़ यू स्टार्ट वॉकिंग एवरी डे आफ्टर वन वीक यू रही आज मैं फोर्टी फाइव मिनट्स वॉक कर पाया देन आई एम एबल टू वॉक सिक्सटी मिनट्स मेरी स्पीड बढ़ गई है आपको ये सारे चेंजेस नोटिस होंगे एंड यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्टेमिना तो जो भी आप लाइफ स्टाइल चेंज अडाप्ट करें प्लीज़ स्टिक टू इट बी कंसिस्टेंट और उसको छोड़िए मत अगर हफ्ता भर करके आपको रिजल्ट नहीं मिला है डोंट लूज पेशेंस बिकॉज योर बॉडी नीड्स मच मोर वर्क देन दैट आपकी बॉडी क्रॉनिकली टायर्ड है क्रॉनिकली फटीग है तो यू हैव टू वर्क हार्ड आपको एक हफ्ता नहीं शायद एक महीना या तीन महीने भी लग सकते हैं बट यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट दैट यू वॉन्ट सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर योर डेली रूटीन टू हेल्प यू लिव अ हेल्दियर लाइफ and most importantly to be active to be fresh and stay happy so like share and subscribe to our youtube channel sarigama music and comment below if you need any more guidance this is me nutritionist dwanisha signing off come to me come to me Come in. जा तो है हर सूबे का जादू है काबू है समझ सारे बात बाकी वक्त का क्या भरोसा बल के पानी बह जाए कल लगना मिलता है रह न जा